बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम टेबल को मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई करना सीखेंगे जेक्यूरी के साथ। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक ट्रिक्स जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ये जेक्यूरी का लेक्चर नंबर 8 है और इसका टाइटल जो है वो हम देते हैं स्टाइलिंग टेबल्स। जेक्यूरी का फाइल हमने ऐड कर दिया है। अब हम जो है वो जेक्यूरी की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। स्क्रिप्ट टाइप /javascript जेक्यूरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ओके, यहाँ पे बॉडी में हम एक टेबल बनाते हैं। और टेबल में पहली जो रो बनाते हैं वो टेबल हेडर की देते हैं। तो उसमें टेबल हेडर जो है उसमें हम डिफरेंट कॉलम नेम्स देते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। दूसरी रो हम बनाते हैं इसमें जो भी हेडर हमने जो कॉलम बनाए हैं उनके साथ साथ जो है हम उनकी वैल्यूज देते जाएंगे। जैसे सीरियल नंबर 1 है पहले कॉलम में और सेकंड कॉलम में नेम है, फॉर एग्जांपल अली, और उसकी जो एड्रेस है वो है जामशोरों। इस तरीके से मैं इस रो को कॉपी करता हूँ। टोटल हमारे पास जो है वो ये अहमद है, ये भी जामशोरों से है, और 3 ये इफ्तिखार, ये हैदराबाद से, और सॉरी 2, 3 और ये 4। अच्छा, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि टेबल कैसे शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले टेबल को इसको जो है वो विड्थ असाइन करते हैं और बॉर्डर इसको असाइन करते हैं 1 और विड्थ इसको 100% और 50%। इसको अलाइन करते हैं सेंटर में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जेक्यूरी के साथ जो है इस टेबल को हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हमारे पास ये टेबल मेन है और उसके बाद टेबल की जो है वो TR है। तो हम क्या करेंगे कि टेबल हेडर जो है उसको अलग से स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, और जो रोज़ हैं बाकी तो जो डेटा की रोज़ हैं उनको अलग स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो TR फर्स्ट करते हैं, जेक्यूरी
टी आर मीन्स फर्स्ट रो को हम जो है वो स्टाइल अप्लाई करेंगे डॉट सी एस एस इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू और साथ में जो फॉन्ट कलर है वो देते हैं वाइट। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है फर्स्ट जो रो है उसको स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो हमारी जो ऑड इवन रोज हैं उनको अलग स्टाइल अप्लाई करेंगे और जो ऑड रोज हैं उनको अलग स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं कि जेक्यूरी टेबल टी आर जो हमारे पास ऑड रोज हैं उसके लिए डॉट सी एस एस और उसको डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ग्रीन। इसको चेक करते हैं। ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी ऑड रो हो गई दोस्तों अब इवन रो इसको अप्लाई करेंगे। इसको कर देते हैं पिंक और यहाँ पे दे देते हैं कि ये जो इवन रोज हैं इनको अलग से स्टाइल अप्लाई हो जाए। इसको चेक करते हैं। ठीक है अब यहाँ पे ये मसला आ रहा है कि ये जो टेबल हेडर है ये भी ओवरराइड हो रहा है क्योंकि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होती है। तो इट्स बेटर कि ये जो हमारी लाइन है इसको यहाँ से कट करके आप जो है वो नीचे रख दें। ठीक है ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे जो है वो टेबल को डायनामिकली जो है वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप मतलब अब इसमें हॉवर के इफ़ेक्ट्स भी आप दे सकते हैं कि जब माउस हॉवर हो तो उसके बाद जो है वो हर पर्टिकुलर रो जो है वो हाईलाइट हो जाए इवन आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं इस टेबल को आपको और सिखाऊँगा कि आप कैसे टेबल को जो है वो जेक्यूरी के साथ जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं और साथ में मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि आप कैसे जो है वो टेबल में जेक्यूरी के थ्रू इनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।